जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आए भरत जी से मिलाप हुआ, माताएं आई है लेकिन सबके मांग में सिंदूर नहीं है। बताया कि कैसे पिताजी का देहांत हुआ, सब बातें की। राम जी सबसे ज्यादा मिले किसी अपनी कौशल्या मैया से नहीं मिले, पहले जाके कैकेयी माता से मिले, उनसे गले मिले और उनको सांत्वना दी कि मां परेशान मत होना कि आप मेरी मां हैं। ऐसे वास्तव में राम को राम बनाने वाली कैकेयी जी। आप कहेंगे कैसे वनवास भेज दिया तो फिर राम को राम बना दिया? कुछ दो चार बातें समझ लीजिए कि लोग भले ही अपने बेटियों का नाम कैकेयी न रखे, कैकेयी ही रामायण की जननी है, कैकेयी ही मर्यादा की जननी है, कैकेयी ही राम की जननी है। कैसे ये समझिए? सिर्फ कैकेयी को पता था कि राजा दशरथ को ये शाप लगा हुआ है श्रवण कुमार के माता पिता का कि पुत्र वियोग में इनकी मृत्यु होने वाली है, और कैकेयी जानती थी कि पुत्र वियोग का मतलब है कि चारों पुत्र मर जाएं तब ये मरे, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो उपाय ढूंढ लिया कि दो बेटे को मैके भेजो और दो को वनवास भेजो, और ये पुत्र चारों नहीं रहेंगे, हम विधवा हो जाएं तो हो जाएं, हमारी बहुएं विधवा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कैकेयी जी ने निर्णय किया दो को पहले उधर भेजो और दो को इधर भेजो, और ऐसा ऐसे तरीके से भेजो कि विपत्ति इनको आ जाए, ये तकलीफ में आ जाए और मौत इनको आ जाए तो श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। एक कारण। दूसरा कारण आप आसानी से समझ जाएंगे, वो कारण ये है कि वरदान मांगने के लिए मंथरा ने क्या कहा था, क्या मांगो? सुत ही राज राम ही बनवासु, बेटे के लिए राज और राम जी के लिए वनवास, और तो कुछ नहीं कहा था। और मांगा क्या इन्होंने? देह एक बार भरत ही टीका, राज नहीं, टीका टिप्पणी निंदा को भी टीका कहते हैं, कि मेरे बेटे की टीका हो, मेरे बेटे की निंदा हो, लेकिन राम जी की मर्यादा बननी चाहिए। कि देह एक बार भरत ही टीका, नहीं का राजगद्दी दे दीजिए मेरे बेटे को। और दूसरे वरदान में क्या था? 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। क्यों भाई? गुरुजी ने मंथरा ने तो ये सिखाया था कि सुत ही राज राम ही बनवासु, तो 14 साल में तो लौट के आके फिर ले लेगा वो, तो 14 साल क्यों मांगा आपने? अगर कपट होता, अगर कुटिलता होती के कई मैया के अंदर, तो कहती कि आजीवन राम बनवासु, कभी न लौटे। लेकिन क्या कहा? 14 वर्ष राम वनवासु, क्योंकि वो जानती थी कि रावण की उम्र 14 साल है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, रावण को मारने आए हैं, 14 साल में मार के फिर करेंगे क्या, वन में लौट के आ जाएंगे 14 साल। इतना ही नहीं, इसमें भी चाल थी। लक्ष्मण जी मेघनाथ को वरदान था कि जो 14 साल जागेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। 14 वर्ष जगे तो लक्ष्मण में शक्ति आई और मेघनाथ को मारा। उसको भी वरदान था कि 14 साल जो जगेगा वही मार सकता है, इसलिए कैकेयी जी ने पूरा आंकड़ा मिलाया कि 14 साल का वनवास भेजिए। 5 साल भी भेज सकते थे, उतने में भी मर जाते दशरथ जी, 2 साल के लिए भी भेज देती तब भी मर जाते, और अगर स्वार्थ लोभ होता तो आजीवन के लिए वनवास कर देते। और राम साधारण नहीं है, एक राजपुत्र ऐसे ही नहीं है जिनको ऐसी राजगद्दी दिला दी, पढ़ाई पढ़ा दी, सिखा दिया, नहीं। कैकेयी मैया जानती थी कि राजा को राजगद्दी पर बैठने के लिए समाज के बीच में रहना जरूरी है, जन जन के बीच जाना जरूरी है, गरीब कोल भील हर जाति हर वर्ग के लोगों की समस्या समझना जरूरी है और उनका दुख दर्द बांटना जरूरी है। 14 साल जब ये पक जाएंगे तो राम राज लाने के लायक बन पाएंगे। पर आज क्या, सीधे कोई पप्पू जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, अरे ऐसे होता है? मेहनत करके, घर घर जाके, संघर्ष करके, तपस्या करके जो व्यक्तित्व होता है वो इस राष्ट्र का नेतृत्व करेगा ना। ये कोई राजतंत्र तो नहीं, किसी को भी योग्य है या नहीं किसी को बिठा दीजिए,
ये हमारे उम्मीदवार, ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार अमेरिका टाइप का थोड़े होता है, यहां तो जनता चुनती है। तो इसलिए 14 साल तपस्या करवाई और जंगल में ऋषि मुनियों के साथ उपदेश, ज्ञान विज्ञान और बहुत तरह के अनुबंध थे, भगवान का अवतार था। इसलिए केकई मैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जननी है, तभी तो कहा था सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, ये जननी वो पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता की सेवा। तो पहले उनसे मिले, उनको गले लगाया और फिर रहे वो लोग, बातचीत किया, कोशिश तो थी कि राम जी को लेके चले, लेकिन कोशिश बेकार हो गई। भगवान ने पूछ लिया, भाई आपके राज्य में कोई कमी है? बोली नहीं प्रभु, सब आपकी कृपा से चल रहा। बोले मेरी कृपा से चल रहा तो तकलीफ क्या है, चलने दो, मेरा कर्तव्य पालन भी हो जाए और राज्य चलने दो, आप चलाओ ठीक से। तो लास्ट में आखिरी में निर्णय हुआ कि आप खड़ा हूं, दे दीजिए आपकी चरण पादुका। और भरत जी जैसे ऋषि, भरत जी जैसे तपस्वी कि आप कल्पना करना, एक तो राम जी की मर्यादा है तो भरत जी की भी कम नहीं है। राम जी पिताजी के कहने पे बन चले गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भरत जी राज मिलने के बाद भी राज नहीं लिया, ये उससे भी अच्छी बात है। ये भगवत प्रेम और बड़े भाई के लिए समर्पण, परिवार में अगर देखें तो भाई के लिए समर्पण और राष्ट्र के लिए समर्पण की नहीं, राष्ट्र को ये गलत उदाहरण नहीं जाना चाहिए कि किसी पिता ने अपने पत्नी के कहने पर बड़े भाई को भेज दिया और छोटा भाई गद्दी स्वीकार कर लिया। एक मिस्टेक अगर हो गई है तो हम ये गलती आगे नहीं करने देंगे कि हमारी मर्यादा है, हमारा भाई ही गद्दी पे बैठेगा और न भाई बैठे वो उपदेश दे वन में रहे उनका खड़ा हूं बैठेगा, और आदेश उन्हीं का चलेगा, जो नियम उनके बनाए गए हैं मर्यादा वही चलेगी, उससे बाहर नहीं चलेगा। राजा राम ही रहेंगे, वास्तव में राजा राम ही तो है, सारे जगत के राजा राम ही तो है, कोई समझे या न समझे, गद्दी पे किसी का शरीर बैठा हो लेकिन परमात्मा ही तो जगत का राजा है। खड़ा हूं रखो या आदमी कठपुतली बिठा दो, लेकिन राज तो राम ही करते हैं, राज तो परमात्मा ही करते हैं।